अस्सलाम वालेकुम मैम। आज तो आयशा सबसे पहले क्लास में एंटर हुई। जी मैम, आज जल्दी उठ गई थी ना इस वजह से। अच्छा, क्या चल रहा है आपका सीन? घर में क्या मसरूफियात है आजकल? घर पर होंगे तो मसरूफियात होंगी। नहीं मतलब क्या है, गेस्ट वगैरह भी गए नहीं आप आपके घर से? नो मैम, चले गए। नो मैम, सॉरी, क्या बोला आपने? मैंने कहा चले गए हैं मैम। अच्छा, चले गए हैं, ठीक है। तो अब स्टडीज की तरफ दोबारा से आपने करना है फोकस, या अभी भी कुछ और मसरूफियात हैं? नो मैम, अब कोई मसरूफियत नहीं है। चलो, ऐसे ही होता है बस, दरमियान दरमियान में ना कभी कोई ऐसे काम आ जाते हैं, फिर वो फोकस जो है वो थोड़ा सा बंदा जो है वो लूज कर जाता है। जी मैम। नो वन इज देयर येट, अभी तक सिर्फ आप ही हैं। नो मैम, मैं कहती हूँ सबको। वो क्या उसे कहते हैं, आप शायद पहले ऑन हो गए ना स्टार्ट, जैसे ही मैंने स्टार्ट किया है तो। जी मैम। फर्स्ट क्लास आपकी आज क्या थी, कौन सी थी फर्स्ट क्लास? सर आबिद की थी? जी मैम, सर आबिद की थी, मैथ्स की क्लास। ओके, अच्छा जी। आप हमने लास्ट क्लास में थे आप आयशा? हाँ, लास्ट क्लास में थी आप, 21st को। हेलो जी मैम, लास्ट क्लास में मैंने कहा आप थे ना, तो हमने चैप्टर कंप्लीट कर लिया था। जी मैम। जी, नाउ टुडे वी विल स्टार्ट लास्ट चैप्टर ऑफ आवर बुक। Where is Ayan yet? Ayan नहीं अभी तक आए। Saad and Taha, both are present? Yes. Yes, ma'am. Okay, Saad and Taha. Aisha is also present? चलिए, लेट्स स्टार्ट टुडेस टॉपिक। रेस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स वो क्यों नहीं स्टार्ट ज्वाइन कर रहे क्लास? प्रेजेंट थे सर आबिद की क्लास में? जी मैम। डिले क्यों कर रहे हैं? इट्स 9:03, 3 मिनट ऊपर हो चुके हैं क्लास को। अच्छा जी, टुडेस टॉपिक इज द लास्ट चैप्टर ऑफ आवर बुक एंड इट्स नेम ऑफ द टॉपिक इज ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट, अब ये वो वाला ट्रांसपोर्ट नहीं है जो कि हम रोड्स के ऊपर करते हैं, नजर आती है ना ट्रांसपोर्ट आपको रोड्स पर? जी मैम। तो ये वो वाला ट्रांसपोर्ट नहीं है कि बसेस और गाड़ियों का ट्रांसपोर्ट। दिस इज अ ट्रांसपोर्ट ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स इन आवर ह्यूमन बॉडी और इन प्लांट्स बॉडी और इन डिफरेंट एनिमल्स बॉडी, और इसमें हमारी बॉडी के अंदर कैसे मटेरियल्स जो हैं वो एंटर होते हैं और उसके बाद वो मूव करते हैं पूरी बॉडी में। आयान इज देयर? यस मैम। ओके, आमना एंड हनीना आर नॉट प्रेजेंट। ओके जी, लेट्स स्टार्ट। अच्छा जी, ट्रांसपोर्ट की हम बात कर रहे थे कि ट्रांसपोर्ट का चैप्टर है लास्ट आपका जो कि आज हम स्टार्ट करेंगे, और इसमें हम देखेंगे कि हाउ डिफरेंट मटेरियल्स मूव इन ह्यूमन बॉडी और इन प्लांट बॉडी। अब ह्यूमन बॉडी की अगर बात करें तो उसमें तो ट्रांसपोर्टेशन जो है वो किस फ्लूइड के थ्रू होगी? थ्रू ब्लड। ब्लड के थ्रू जितने भी हमारी बॉडी के अंदर, या वाटर भी है जो कि मूव कर रहा है फ्रॉम वन पार्ट टू द अदर, तो उसकी ट्रांसपोर्टेशन के लिए हमारी बॉडी में ट्रांसपोर्टेशन के लिए वी हैव अ प्रॉपर सिस्टम, और इस सिस्टम का क्या नाम है? सर्क्यूलेटरी सिस्टम।
जो कि ब्लड रिलेटेड सिस्टम है, उसमें हमारी सर्कुलेटरी सिस्टम में सारा जो ब्लड है वो पूरी बॉडी में फ्रॉम वन पार्ट टू द अदर, इवन हमारी जो नेल्स की ये जो टिप्स हैं यहाँ तक ब्लड जो है वो मूव कर रहा होता है। तो अल्लाह ताला ने इंसानों को और एनिमल्स को तो प्रॉपर बॉडीज प्रोवाइड, उनके अंदर प्रॉपर एक सिस्टम रखे हुए हैं इन कामों के लिए। बट अगर हम प्लांट्स की बात करें तो प्लांट्स डू नॉट हैव स्पेशल सिस्टम्स इन देयर बॉडी, उनकी बॉडी में ऐसा कोई खास सिस्टम नहीं है, उनकी बॉडी में तो खैर ब्लड भी नहीं होता। इंस्टेड ब्लड की जगह पर कौन सा फ्लूइड उनकी बॉडी में मूव कर रहा होता है? हेलो स्टूडेंट्स, कैन यू हियर? यस मैम। जी और बच्चे, मेरी आवाज आ रही है आप सबको? यस मैम। जी मैम। जी बेटा, तो फिर मैंने क्वेश्चन किया था कि प्लांट बॉडी में कौन सा मेजर फ्लूइड है जिसकी ट्रांसपोर्टेशन जो है वो करवानी है। प्लांट के अंदर ब्लड तो नहीं होगा, जस्ट लाइक ह्यूमन बीइंग्स ब्लड तो नहीं होता ना, तो कौन सा फ्लूइड है? यस गुड, वाटर की ट्रांसपोर्ट हम देखेंगे, हाउ प्लांट्स ट्रांसपोर्ट वाटर इन देयर बॉडीज। चैप्टर के स्टार्टिंग जो टॉपिक्स हैं उनमें प्लांट से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन है, एंड आफ्टरवर्ड्स आफ्टर कंप्लीटिंग प्लांट्स वी विल मूव ऑन टू द ह्यूमन बॉडी। ठीक है। अच्छा, अब इसमें वाटर की जो अपटेक है, वाटर को कैसे लेना है प्लांट ने, उसको मिलेगा कहाँ से, तो वो स्टार्ट होगा कहाँ से? रूट से। रूट के थ्रू प्लांट्स जो है वो वाटर को अपने अंदर एब्जॉर्ब करेंगे, और फिर एब्जॉर्ब करने के बाद जो वाटर है वो पूरी बॉडी में कैसे ऊपर जो है वो असेंट करेगा, चढ़ेगा कैसे, क्योंकि जो प्लांट्स की बॉडीज हैं छोटे प्लांट्स तो उनका साइज छोटा होता है तो इतना इश्यू नहीं है, बट इन लार्जर ट्रीज जो बड़े बड़े दरख्त हैं जिनकी हाइट बहुत ज्यादा है, वहां पर पानी को ऊपर तक चढ़ाने के लिए कोई ऐसे नहीं है कि वहां पे कोई स्पेशल एनर्जी सिस्टम लगा हुआ है, कोई मोटर लगी हुई है जो पानी को नीचे से ऊपर लेके जा रही है, बल्कि प्लांट के अंदर ही अल्लाह ताला ने कुछ स्पेशल सेल्स बन रखे हुए हैं। ये हम पहले भी सेल्स का नाम पढ़ चुके हैं जो कि वाटर को रूट से लेकर ऊपर तक चढ़ाते हैं। उन सेल्स का नाम याद है किसी बच्चे को? जाइलम टिश्यूज। जाइलम टिश्यूज, वेरी गुड। जाइलम टिश्यूज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर फ्रॉम रूट टू द अपर पार्ट्स ऑफ द प्लांट। और ऑन द अदर हैंड जो प्लांट्स के ऊपर वाले पार्ट्स हैं, लीव्स जो हैं, वहां पर फूड प्रिपेयर हो रही होती है, फोटोसिंथेसिस हो रही है, तो जब फूड बन जाएगी तो वो भी तो मटेरियल्स ही है ना सारे फूड के, उनकी भी ट्रांसपोर्ट अप करना जरूरी है। लीव्स के थ्रू सारी बॉडी के अंदर स्टेम्स तक रूट्स तक फूड को भी पहुंचाना है, उसकी भी ट्रांसपोर्ट का काम करना है। उसकी ट्रांसपोर्ट किस स्किन सेल्स के थ्रू होगी? फ्लोएम। जी आयशा, व्हाट यू से? फ्लोएम, मुझे आपकी आवाज बहुत वो आ रही है शोर के साथ। फ्लोएम सेल्स, हेलो। सो इन प्लांट्स, यस मैम, इन प्लांट्स जाइलम टिश्यूज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर, एंड फ्लोएम टिश्यूज, फ्लोएम के जितने भी आगे से उसके सेल्स हैं वो जो है दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड पार्टिकल्स टू द ऑल पार्ट्स ऑफ बॉडी। यहाँ तक समझ आया सबको? यस मैम। यस मैम। ओके, वैसे हमें मतलब ये प्लांट्स को वाटर, अब हम वो ले तो लेते हैं, आज इतना शोर है, मैं बात कर रही हूँ तो इतना शोर है, अपने प्लीज माइक्स को ना किसी एक जगह पे सेट कर दें, वो शायद जब मूव करते हैं तो वो शोर करते हैं फिर। मैम बंद कर दें, म्यूट कर दें। म्यूट करने से फिर मुझे पता ही नहीं चलता, मुझे लगता है जैसे मैं खुद ही बोले जा रही हूँ, वो एक क्लास में इंटरेक्शन ही नहीं फील होती। अच्छा जी, मूव ऑन टू द टॉपिक, ये जो एक रेगुलर टॉपिक है ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। Who will read intro? Intro मैंने ये ऊपर जो पैराग्राफ था ना इसमें इंट्रोडक्शन था, ठीक है, जस्ट वो मैंने आपको बता दिया, यहाँ से अब हम स्टार्ट करते हैं। Who will read, जिसका आवाज जो है वो बहुत क्लियर आए मुझे, कौन होगा?
अच्छा मैम मैं पढूं जी साद आप स्टार्ट करो Water is vital to plant life. It is necessary not just for photosynthesis and sugar, but much of cellular activities occur in the presence of water molecules. Internal temperature of plant body is also regulated by water. Land plants get water and minerals from soil. After absorption by roots, water and minerals have to be transported to the aerial parts of body. Similarly, food is manufactured in leaves. This food is transported to other parts of body for utilization and storage. जी अब यहाँ पर दो तीन words आ गए हैं एक तो आ गया turgor. What is turgor students? ये terms आप पढ़ चुके हैं chapter 4 में. What is turgor? उन्होंने कहा water की बहुत ज्यादा जरूरत होती है हमारी body को not only for photosynthesis but only what for turgor as well. What is turgor? आयान आप बताओगे what is turgor? टर्गर प्रेशर पढ़ा था हमने टर्जिडिटी पढ़ा था ऑस्मोसिस के टॉपिक में किसी स्टूडेंट को ताहा कोई कुछ याद है ताहा मैम टर्गर प्रेशर होता है जब प्लांट के अंदर ज्यादा पानी चला जाता है और वो रप्चर हो जाता है रप्चर तो तब होगा ना जब जी एक्स्ट्रा वाटर टर्गर होता है जब उसे पानी निकल आता है पानी निकल आता है नहीं ऑपोजिट बोल रहे हैं मैं बता देती हूँ टर्गर वाटर जब अब्सॉर्ब करता है ना प्लांट तो प्लांट की जो शेप है ना वो प्रॉपर अपनी पूरी मतलब उसमें आ जाता है प्रॉपर शेप में आ जाते हैं उसके लीव्स अदरवाइज अगर प्लांट से पानी निकल जाए या उसे पानी ना मिले तो प्लांट से वो बिल्कुल मुरझाए हुए ढीले से हो जाते हैं बिल्कुल नरम सॉफ्ट लेकिन अगर उसके अंदर पानी होगा तो जो प्लांट्स होते हैं दे गेट देयर प्रॉपर शेप और ऐसे अकड़े हुए हवा में ऐसे खड़े हुए होते हैं अगर पानी ना हो पानी ना मिले तो प्लांट्स ढीले होके मुरझा के लटक जाते हैं यस यू गेट दिस पॉइंट स्टूडेंट्स यस मैम टर्जिडिटी की वजह से या टर्गर की वजह से प्लांट्स अपनी शेप बरकरार रखते हैं अदरवाइज दे बिकम फ्लैसिड और विल्ट मुरझाई हुई हालत में ऐसे ढीले से लटके हुए आप अक्सर एक्सपीरियंस भी कर सकते हैं कि अगर पौधों को पानी ना मिले तो वो मुरझा जाते हैं लेकिन जैसे ही पानी मिलता है तो उनके लीव्स और उनके फ्लावर्स ऐसे ऐसे खड़े हो जाते हैं मतलब जैसे उनकी शेप प्रॉपर हो जाती है अच्छा जी इसके अलावा यहाँ पर और कोई ऐसी चीज जो कि इस आपको टफ लग रही हो कोई ऐसी टर्मिनोलॉजी टर्जिडिटी के अलावा एरियल पार्ट्स क्या होते हैं उन्होंने कहा रूट्स के थ्रू वाटर एब्जॉर्ब होता है ट्रांसपोर्टेड टू द एरियल पार्ट्स ऑफ द बॉडी एरियल पार्ट्स मैम इंपॉर्टेंट पार्ट्स नो नो प्लांट्स के जितने भी ऊपर वाले हिस्से हैं रूट को छोड़ के रूट तो जमीन के अंदर दबी हुई है ना उसके अलावा जितने भी वो पार्ट्स जो के हवा में मौजूद हैं दे आर नोन एज एरियल पार्ट्स यानी कि उसकी स्टेम्स उसके स्टेम्स और उसके लीव्स उसकी ब्रांचेस ऑल दीज आर यस द एरियाज व्हिच आर एक्सपोज्ड टू द एयर are known as aerial parts. ठीक हो गया अब वो कह रहे हैं कि हम बहुत ज्यादा जरूरत है इस चीज की कि वाटर जो है वो प्रॉपरली प्लांट्स तक पहुंचे इसके अलावा हमारी प्लांट्स की बॉडी में मेटाबॉलिज्म भी तो हो रहा है ना तो मेटाबॉलिज्म की एग्जीक्यूशन के लिए भी वाटर इज क्वाइट इम्पॉर्टेंट आगे चलते हैं ट्रांसपोर्ट अब इसके लिए ऑल द प्लांट्स एक्सेप्ट मॉसेस एंड लिवरवर्ट्स ये बिल्कुल स्टार्टिंग छोटे छोटे जो प्लांट्स जस्ट लाइक ग्रासेस ये बिल्कुल समझ लें कि फुल बड़े वाले प्लांट्स नहीं है छोटे प्लांट्स हैं मॉसेस और लिवरवर्ट्स के अलावा जितने भी प्लांट्स हैं उनके अंदर कॉम्प्लेक्स वास्कुलर टिश्यूज मौजूद होते हैं वास्कुलर टिश्यूज मींस जाइलम एंड फ्लोएम दैट मूव्स वाटर एंड फूड थ्रू आउट द प्लांट बॉडी जाइलम मूव्स वाटर एंड फ्लोएम ट्रांसपोर्ट फूड इन द बॉडी आगे चलते हैं रिकॉलिंग को कह रहे हैं आप रिकॉल करें आपने जाइलम और फ्लोएम का स्ट्रक्चर जो है ना आपने पीछे पढ़ चुके हैं टिश्यूज के अंदर आशा यू रीड दीज लाइंस जाइलम टिश्यू जो रिकॉलिंग वो बता रहे हैं आपको ये पढ़ लें जल्दी से जी मैम जाइलम टिश्यू इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड डिसॉल्व्ड सब्सटेंसेस फ्रॉम रूट्स टू एरियल पार्ट्स इट कंसिस्ट्स ऑफ वेसल एलिमेंट्स एंड ट्रैकीट्स फ्लोएम टिश्यू Tracheids, phloem tissue is responsible for the conduction of dissolved organic matter, food, between different parts of plant body. It consists of sieve tube cells and companion cells. जी बेटा आपके reminder के लिए उन्होंने xylem tissues के जो आगे से दो उसके थे ना helpers
वेसल एलिमेंट्स एंड ट्रेकेट्स उनका नाम दे दिया, और फ्लोएम टिश्यूज के जो हेल्पर्स हैं दे आर सीव ट्यूब एलिमेंट्स एंड कंपेनियल सेल्स, ये इनकी डिटेल आप पढ़ चुके हुए हैं इन चैप्टर 4 आई थिंक। अच्छा जी, सेकेंडली सिर्फ वाटर ही एब्जॉर्ब नहीं करती रूट्स, रूट्स वाटर के अलावा दूसरे मिनरल्स भी एब्जॉर्ब करती हैं, जैसे कि नाइट्रोजन एब्जॉर्ब हो रही है, आयंस डिफरेंट एब्जॉर्ब हो रहे हैं जमीन से, तो वो कह रहे हैं कि जितनी भी एब्जॉर्प्शन हो रही है दिस इज विद द हेल्प ऑफ रूट। आगे चलते हैं, मूव ऑन, वाटर ऑलवेज मूव्स फ्रॉम द एरिया ऑफ हायर। अच्छा ये भी आपको पता है, हम चैप्टर 4 में ऑस्मोसिस में ये भी देख चुके हैं कि पानी हमेशा ज्यादा पोटेंशियल से कम पोटेंशियल की तरफ मूव करता है, तो ऑब्वियसली जमीन के अंदर बहुत सा पानी मौजूद है, तो रूट्स के अंदर अगर प्लांट के अंदर पानी नहीं है तो पानी किस साइड की तरफ मूव करेगा, फ्रॉम द सॉयल टूवर्ड्स द रूट्स, रूट्स की तरफ मूव करेगा वाटर। इसके अलावा द रिलेशनशिप बिटवीन द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट एंड वाटर पोटेंशियल इज इनवर्स, व्हेन देयर इज अ लॉट ऑफ सॉल्यूट हाइपरटोनिक सॉल्यूशन द वाटर पोटेंशियल इज लो एंड वाइस वर्सा। ये आपका ऑस्मोसिस, ऑस्मोसिस से रिलेटेड ये आपके सारे पॉइंट्स आ गए कि ऑस्मोसिस में अगर वाटर की कंसंट्रेशन कम हो और सॉल्ट्स की ज्यादा हो जाए किसी एक सेल के अंदर तो वो सोल्यूशन बन जाएगा हाइपरटोनिक सोल्यूशन। ठीक है, अब हाइपरटोनिक सोल्यूशन को बैलेंस करने के लिए वाटर विल मूव फ्रॉम आउटसाइड टुवर्ड्स द सेल। ये पॉइंट आपको ऐसा कीजिएगा, आज ऑस्मोसिस थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा ताकि इन पॉइंट्स की क्लियरेंस आपको दोबारा से हो जाए। ताहा, वेयर इज ताहा साथ? मैम इधर ही बैठा हुआ है। हाँ जरा। यस मैम। जी ताहा, व्हाट इज द डिफरेंस इन हाइपरटोनिक सॉल्यूशन एंड हाइपोटोनिक सॉल्यूशन? क्या डिफरेंस है? हाइपरटोनिक का तो नाम लिया उन्होंने, तो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन कौन सा होगा? मैम जिसमें सॉल्यूट कंसंट्रेशन, जिसमें सॉल्यूट कंसंट्रेशन ज्यादा होती है वो क्या कहलाता है, कौन सा सॉल्यूशन कहलाता है? हाइपरटोनिक। ताहा आपको बेटा क्लास अटेंड कर रहे हो आप? मैं बताऊं? अटेंड तो कर रहे हो लेकिन यू आर नॉट अटेंटिव इन द क्लास। जी आयान, व्हाट इज द डिफरेंस इन हाइपरटोनिक सॉल्यूशन और एंड हाइपोटोनिक सॉल्यूशन? मैम हाइपरटोनिक सॉल्यूशन वो होती है जिसमें With the concentration of solute is greater than the cell than outside of it. और hypertonic में इसका उल्टा होता है। इसका hypertonic में solute concentration ज़्यादा होती है as compared to water. Water कम है, salts ज़्यादा हैं। जबकि hypotonic में क्या होगा? Hypotonic में उसका reverse हो जाएगा। Solute कम होगी और water की concentration ज़्यादा होगी। ठीक हो गया। अच्छा जी, अब हम actually आ जाते हैं इस डायग्राम के ऊपर। बार बार मैं आपसे बात कर रही हूँ कि रूट्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। प्लांट के अंदर पानी कहाँ से आएगा? पानी को एब्जॉर्ब करने के लिए प्लांट को किस चीज की जरूरत है? रूट्स की जरूरत है। ये देखो, दिस इज रूट हेयर। हाँ जी, ये एक रूट का उन्होंने ट्रांसवर्स सेक्शन, यानी कि काट के ना रूट को, तो उन्होंने उसका अंदर से सारी एनाटॉमी दिखाई हुई आपको। ठीक है, रूट का एक काम तो ये है कि वाटर और आयन को एब्जॉर्ब करता है। सेकंड इसका काम क्या है कि रूट जो है वो प्लांट को जमीन के अंदर एंकर करती हैं, उसको जमीन के अंदर गाड़े रखती हैं, खड़ा रखती हैं, ऐसे नहीं कि प्लांट गिर जाए, है ना? Yes. अच्छा जी, अब इसकी हम एनाटॉमी को देखते हैं। एनाटॉमी में आप देखो, सबसे पहले जो बाहर की जो आपको लेयर ब्राउन कलर की नजर आ रही है, सब बच्चों को स्क्रीन नजर आ रही है? Yes, जी। आमना इज देयर? आमना की भी प्रेजेंट तो नहीं मैंने लगाई। आमना आप आई हैं क्लास में? नहीं, मैं इसमें पहले भी आई थी। आप स्टार्ट कर चुके हैं। ओके ओके, आई विल मार्क योर प्रेजेंट लेटर ऑन। अच्छा जी, रूट का ये इंटरनल स्ट्रक्चर दिखाया गया है। अब रूट के आप देखो, सबसे जो पहले बाहर एक लेयर ऑफ सेल्स नजर आ रही है, दिस इज नोन एज एपिडर्मिस। ठीक है, सबसे बाहर, उसके बाद ये येलो कलर के सेल्स हैं जो कि कॉर्टेक्स कहलाते हैं। देन अंदर आपको ये मॉफ कलर की सेल्स, ये आपकी बुक में भी डायग्राम बनी भी है। दिस इज एंडोडर्मिस। एंडोडर्मिस के बाद पेरिसाइकिल, पेरिसाइकिल के बाद
कॉर्टिकल सेल्स. और ये जो आपको पिंक कलर के लंबी लंबी ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स नजर आ रहे हैं, दे आर बेसिकली जाइलम सेल्स. ये आपको जाइलम सेल्स दिखाने के लिए उन्होंने रूट के स्ट्रक्चर को कट करके दिखाया हुआ है. कैन यू सी दिस फिगर? यस मैम. इसको अब आप देख लो. अच्छा, लेकिन कुछ सेल्स आपको ऐसे बाहर की तरफ बढ़े हुए नजर आ रहे हैं लंबे लंबे से. दीज जस्ट जैसे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है. These are root hairs, ठीक है? And these are the elongations of epidermal cell. Epidermal cell कोई कोई अंदर से लंबा हो जाता है, बढ़ जाता है साइज में, just to increase the surface area of root hair. उसका सरफेस एरिया बढ़ाने के लिए जितने ज्यादा रूट हेयर्स होंगे उतना ही ज्यादा पानी जो है वो एब्जॉर्ब होगा प्लांट के अंदर, ठीक है? ये देखिए इस तरीके से पानी जो है वो कैसे अंदर की तरफ सॉइल से टुवर्ड्स प्लांट मूव कर रहा है. ये रूट हेयर है और ये जो रेड लाइन दिखाई गई है दिस इज फॉर वाटर. देखिए कैसे पानी एब्जॉर्ब हुआ. और पानी अंदर क्यों जाएगा? क्योंकि पानी बाहर सॉइल में बहुत ज्यादा है तो वाटर ऑलवेज मूव फ्रॉम द हायर कॉन्सेंट्रेशन टुवर्ड्स द लोअर कॉन्सेंट्रेशन. बाहर कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है वाटर की, प्लांट के अंदर नहीं है, तो फिर पानी जो वो आस्ता आस्ता डिफ्यूजन के थ्रू डिफ्यूजन वाटर विल मूव इनसाइड. और ऑस्मोसिस का भी प्रोसीजर यहाँ आ जाएगा. वाटर विल मूव इनसाइड, फिर अंदर जाएगा, इस तरीके से सेल टू सेल मूव करेगा. और सम टाइम्स सेल के बाहर जो एक्स्ट्रा स्पेसेस आपको नजर आ रही है इंटरसेलुलर स्पेसेस, यहाँ से मूव करते करते पानी जो है वो एंडोडर्मिस तक जाएगा. एंड देन आफ्टर एंडोडर्मिस इफ इट एंटर इनटू द जाइलम, जाइलम में एंटर होने के बाद वाटर विल मूव अपवर्ड. उसके बाद पानी ऊपर की तरफ चढ़ना शुरू होगा टुवर्ड्स द एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट. कौन इसको एक्सप्लेन करेगा दोबारा से? हु विल टेल मी दिस प्रोसीजर अगेन? क्या बताया मैंने आपको? आयशा आप बताओगे, इसको रिपीट करोगे? आयशा are you there? Ayan, आप बताओगे? I think Aisha को clear नहीं हुआ point. आवाज ही नहीं आ रही, वैसे पता चल रहा है माइक्स ऑन है, but Ayan, are you there? Can you hear me, Ayan? आपको आवाज आ रही है स्टूडेंट्स मेरी? यस मिस. अमना को आवाज आ रही है? और साद आपको आवाज आ रही है? यस मैम. तो फिर बेटा आप रिप्लाई नहीं कर रहे बच्चे. यस मैम. आयान आपसे मैं क्वेश्चन कर रही थी, ये डायग्राम मैंने आपको बताया कि कैसे पानी अंदर जा रहा है, तो क्या ये रूट आप बता सकते हो दोबारा से? मैं कोशिश करता हूं. कोशिश करता हूं मतलब नहीं समझ आया तो दोबारा से एक्सप्लेन कर देती हूं. बताता हूं. जी बताइए. वाटर सबसे पहले रूट हेयर में एंटर होता है ऑस्मोसिस के प्रोसेस के थ्रू. उसके बाद वाटर क्रॉसेस रूट कॉर्टेक्स बाय ऑस्मोसिस एंड डिफ्यूजन. देन उसके बाद जो वाटर है वो फिर एक्साइलम में जाते हैं रूट. अच्छा, एक्साइलम में जाने के बाद पानी कहाँ जाएगा? वेयर वाटर विल मूव. वाटर फिर ड्रॉन अप हो जाता है एक्साइलम इन द स्टेम. यस, यहां से पानी जो ऊपर की तरफ मूव करेगा, ऊपर चढ़ना शुरू हो जाएगा. ये देखिए ना आप एक्साइलम का स्ट्रक्चर कैसा है, जस्ट लाइक ट्यूब्स, लंबी लंबी ट्यूब्स हैं एक्साइलम की. तो एक्साइलम ट्यूब्स के थ्रू वाटर विल मूव अपवर्ड, ऊपर की तरफ जाना शुरू हो जाएगा. मैं आगे बताऊं? जी बस ठीक है, अब इसकी रीडिंग करते हैं. फिर जो वाटर है ना वो एक्साइलम के थ्रू लीफ में जाएगा. जी बिल्कुल, वो फिर ऊपर हर पार्ट की तरफ जाना शुरू हो जाएगा. ओके आमना, you read starting from water and ion uptake. इस paragraph को read कीजिए. ये जो भी मैंने आपको सारे नाम बताए ना, ये सारे इस paragraph में आएंगे cell anatomy के. In addition to anchor the plant, roots perform two other vital functions. First, they absorb water and salts
from soil. Second, they provide conducting tissues for disturbing these substances to the tissues of stem. Distributing. The conducting tissues, xylem and phylum of roots are grouped in the center to form a rod-shaped core. This rod extends throughout the length of root outside the conducting. Outside the conducting tissues, there is a narrow layer of thin walled cell, the pericycle. ना यहाँ बेटा स्टॉप करें, ये देखें उन्होंने आपको भी यही बताया कि सेल ये जो रूट के बिल्कुल सेंटर में जाइलम और फ्लोइड टिश्यूज पड़े हुए हैं. ये देखें ये स्टार लेक टाइप स्ट्रक्चर होता है, जैसे स्टार होता है ना उस शेप में, और ये इन्होंने इसको कट करके अंदर से दिखा दिया. तो दीज आर द जाइलम सेल्स लॉन्ग, और उसके बाहर फ्लोएम सेल्स मौजूद होते हैं, इसके पीछे पीछे फ्लोएम सेल्स भी होंगे. और ये जो लेयर इन्होंने बताई दिस इज ऑफ पेरिसाइकिल. ठीक है, चले आगे चलते हैं. A single layer of cells, for example, endodermis, surrounds this pericycle. External to this, there is a broad zone of cortex. It consists of large and thin walled cells. Cortex is bounded on outside by a single layer of epidermal cell. Roots also have clusters of tiny roots hairs, which are actually the extensions of epidermal cells. Root hairs provide large surface area for absorption. They grow out into the spaces between soil particles when they are in direct contact with water. The cytoplasm of root hairs has higher concentration of salts than soil water, so water moves by osmosis into roots hair. Salts also enter roots hair by diffusion or active transport. ये सारी टर्म्स आप चैप्टर 4 में पढ़ चुके हैं. एक्टिव ट्रांसपोर्ट में एनर्जी का इस्तेमाल आएगा, और डिफ्यूजन तो आपको पता है सिंपल मूवमेंट है फ्रॉम हायर टू लोअर कंसंट्रेशन. After their entry into root hair, water and salts travel through intercellular spaces or through cells via channels called plasmodesmata and reach xylem tissue. Once in xylem, water and salts are carried to all the aerial parts of plant. Okay, na ek dafa agar water or salts xylem tak pahunch jaye to fir wo aage se ट्यूब्स के थ्रू हर एरियल पार्ट में, ऊपर वाले जितने पार्ट्स उन सब में पहुंच जाता है. अच्छा जी, अब यहाँ पर ये जितनी भी प्लाज्मोडेस्मेटा का एक वर्ड आया, प्लाज्मोडेस्मेटा आर द स्मॉल पोर्स, छोटे छोटे सुराख होते हैं एक सेल से दूसरे सेल में जाने के लिए. जैसे कि इस पिक्चर में मैं आपको दिखा सकती हूँ कि अगर तो वाटर जो है यहाँ पर इन्होंने दिखाया कि इंटरसेलुलर बाहर बाहर से ही गुजर रहा है, एक सेल के दूसरे सेल से गुजर रहा है, लेकिन अगर वो सेल टू सेल पास करेगा एक सेल से दूसरे सेल में से अंदर से, जैसे कि ये देखें ब्लू वाली लाइन आप देख सकते हो अंदर से गुजर रहा है सेल के, तो दीज आर थ्रू प्लाज्मोडेस्मेटा. यहाँ पर भी आप देख सकते हो प्लाज्मोडेस्मेटा नजर आ रहा है, सेल टू सेल जो कनेक्शन है दिस इज नोन एज प्लाज्मोडेस्मेटा. सेल टू सेल का कनेक्शन जो है वो दिस इज नोन एज प्लाज्मोडेस्मेटा. इसके अलावा सेल एक सेल के दूसरे सेल के दरमियान थोड़ी थोड़ी स्पेस भी नजर आ रही है, दीज आर कॉल्ड इंटरसेलुलर स्पेसेस. तो वॉटर जो है वो डिफ्यूजन के थ्रू, ऑस्मोसिस के थ्रू या एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू सेल टू सेल भी मूव कर सकता है या इंटरसेलुलर स्पेसेस के थ्रू भी मूव कर सकता है. अच्छा जी, साथ आप मुझे इनके नाम बता दीजिए, क्योंकि इस पैराग्राफ में ना थोड़ी सी एनाटॉमी बताई गई है. सेकेंडली रूट का इन्होंने यहाँ पे फंक्शन बताया है कि फंक्शन क्या है रूट का. यहाँ पर आप शॉर्ट क्वेश्चन बना सकते हो, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ रूट इन द प्लांट. ठीक है, इसके बाद व्हाट इज द फंक्शन ऑफ या व्हाट आर रूट हेयर्स, ये दो क्वेश्चन तो रूट से रिलेटेड बनते हैं, और रूट हेयर का क्वेश्चन अक्सर आ जाता है कि व्हाट आर रूट हेयर्स, तो रूट हेयर्स का आंसर आप यहाँ से ले लोगे. ठीक है ना, कि दे आर द एक्सटेंशन ऑफ एपिडर्मल सेल्स. तो ये आपने शॉर्ट क्वेश्चन को यहाँ पे मार्क कर ले, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ रूट and what are root hairs. Okay, साथ जरा इसको इस डायग्राम को दोबारा से नेम ले दें, इसके डिफरेंट पार्ट्स के नेम क्या क्या हैं.
ओके मैम, मैम वन मिनट बता रहा मैम, वो जो सबसे बाहर वाली लेयर है वो एपिडर्मिस है। शाबाश, एपिडर्मिस। और एपिडर्मिस की जो लॉन्ग एक्सटेंशंस हैं, दीज आर कॉल्ड रूट हेयर्स। शाबाश, ये तो दो बातें क्लियर हो गई। आगे चलें। ये वो जो अंदर हल्की ग्रीन वाली लेयर है वो कॉर्टेक्स है जी। ये जरा बड़े साइज के सेल्स हैं कॉर्टेक्स, जहाँ पे पानी यहाँ से अंदर एंटर होगा। ठीक हो गया। मैम कॉर्टेक्स से आगे वो जो थोड़ी लाइट से कलर किया है जी जी मैम, वो एंडोडर्मिस है। एंडोडर्मिस देन मैम, उससे अगली वाली वो है, उससे अगले जाइलम सेल्स हैं। एंडोडर्मिस, पेरिसाइकिल, एक पेरिसाइकिल है और एक्सक्यूज मी जी आमना, मिस आप एरो रखेंगे किस किस में हैं? अच्छा जी बेटा, ये सबसे पहले तो साद ने बताया था, दिस इज एंडोडर्मिस, सॉरी एपिडर्मिस है ना, बाहर की जो ब्राउन लेयर है। देन जो येलो सेल्स हैं ये कॉर्टेक्स हैं। कॉर्टेक्स तक ये सेकंड लेयर हो गई कॉर्टेक्स की। यस। उसके बाद पेरिसाइकिल, ये जो डार्क मोव कलर की है, दिस इज ऑफ पेरिसाइकिल, थिन वॉल्ड सेल्स। पेरिसाइकिल के बाद अंदर जो लाइटर पिंक कलर की है, दिस इज एंडोडर्मिस। जी साद आगे चलें। एंडोडर्मिस के बाद यस साद, नहीं समझ रहे हैं। इसके बाद जाइलम सेल्स हैं। जाइलम सेल्स, ये जो स्टार लाइक अंदर स्ट्रक्चर नजर, ये ब्लू को मैं अभी बताती हूँ, पिथ है, दिस इज कॉल्ड पिथ। ये भी कॉर्टिकल सेल्स ही होते हैं जो ब्लू शेड में नजर आ रहे हैं। उसके बाद ये जो स्टार्स की तरह से ये नोके सी निकली हुई जैसे स्टार बना हुआ है सेंटर में, दिस इज ऑफ, ये जो पिंक कलर की लंबी लंबी ट्यूब्स हैं, ठीक है, दिस इज ऑफ जाइलम सेल्स। जाइलम सेल्स जी। और जाइलम सेल्स के पीछे की तरफ, यहाँ पर इस तरफ जाइलम सेल्स के पीछे यहाँ पर फ्लोएम पड़े हुए होते हैं, जो डार्क सा शेड नजर आ रहा है आपको किनारों पे, दिस इज ऑफ फ्लोएम सेल्स। सेंटर में जाइलम है और इनके बाहर बाहर की तरफ फ्लोएम। जहां जहां जाइलम होगा, याद रखें स्टूडेंट्स, वहां पर फ्लोएम सेल्स भी आपको मिलेंगे, ठीक है। और इकट्ठे मिला के आप इन दोनों को क्या बोलते हो, वास्कुलर बंडल्स, ठीक है। तो वाटर विल ट्रांसपोर्ट फ्रॉम ऑल दीज सेल्स, वास्कुलर बंडल्स के थ्रू वाटर जाइलम के थ्रू होगा, और फूड किसके थ्रू होगा, फ्लोएम के थ्रू। फ्लोएम जी जी। आयान यू रीड द नेक्स्ट टॉपिक, ट्रांसपायरेशन। मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज ट्रांसपायरेशन। ट्रांसपायरेशन, ट्रांसपायरेशन इज द लॉस ऑफ वाटर from plant surface through evaporation. This loss may occur through stomata in leaves. Third, the cuticle present on leaf epidermis and through special opening called lenticels present in the stems of some plants. Okay, stop here. अच्छा जी students, ये पिछला जो topic है ये तो इस बात से relate कर रहा है कि how water will enter into the plant. अब जो प्लांट में पानी बहुत सारा एब्जॉर्ब हो जाएगा तो पानी जाएगा कहाँ, पानी ऊपर तक भी पहुंच गया, प्लांट्स के बाकी पार्ट्स में पहुंच गया, उसके बाद क्या होगा, नीचे से तो मुसलसल पानी एब्जॉर्ब हो रहा है, रूट उसको एब्जॉर्ब कर रही है, पानी ऊपर जाके उसका भी तो आगे से कोई चैनल होना चाहिए ना। ऊपर जब पानी एरियल पार्ट्स तक पहुंच जाएगा तो हवा हो जाएगा मैम, वेरी गुड, इट विल स्टार्ट इवेपोरेटिंग, क्योंकि हवा में पौधा, प्लांट तो हवा में मौजूद है ना, ऊपर वहां पे धूप भी है, सनलाइट है, एयर है, टेम्परेचर है, उसकी वजह से वाटर विल स्टार्ट इवेपोरेटिंग। तो ये जो इवेपोरेशन है वाटर की, दिस इज नोन एज ट्रांसपायरेशन, यानी कि एरियल पार्ट्स के थ्रू वाटर इवेपोरेट अगर हो रहा है प्लांट से तो दिस प्रोसीजर इज नोन एज ट्रांसपायरेशन। ये याद रखिएगा कि ट्रांसपायरेशन में पानी जो है वो प्लांट के ऊपर वाले हिस्से से सारा निकल रहा होता है इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स।
और ये किस उसके थ्रू हो रहा होता है, ऑर्गेन के थ्रू हो रहा होता है, लीव्स में तो हमें पता है स्टोमेटा मौजूद है, छोटे छोटे पोर्स मौजूद हैं, वहां से ये निकल जाता है। लेकिन जो वुडी प्लांट्स होते हैं जिनके ऊपर सख्त किस्म की छाल बनी हुई होती है, जो बड़े दरख्त होते हैं उनकी स्टेम्स के ऊपर पोर्स होते हैं, सुराख होते हैं, दैट आर नोन एज लेंटिसेल्स। ठीक है, तो स्टोमेटा तो लीव्स में मौजूद है, लेकिन जो हमारी स्टेम है प्लांट्स की, वुडी स्टेम स्पेशली, हार्ड जो हो चुकी थी, सख्त हो चुकी होती है, वहां पर अल्लाह ताला ने छोटे छोटे सुराख रखे हुए हैं, लेंटिसेल्स हैं, वहां से स्टेम्स के थ्रू प्लांट में से पानी जो है वो ट्रांसपायर कर जाता है। जी आमना, समझ आया आपको व्हाट इज ट्रांसपायरेशन? क्या समझ आया, रिपीट कीजिए इसे। आपने कहा ट्रांसपायरेशन जो है वो इज द लूज ऑफ वाटर फ्रॉम प्लांट सरफेस थ्रू एवेपोरेशन, मतलब एवेपोरेशन होती है उसके ऊपर वाले पार्ट्स में, वहां पे एयर होती है, सन होती है। हां हां ठीक है, अच्छा तो दो है और आपने कहा कि स्टेम में लेंटिसेल्स होते हैं। शाबाश, स्टेम्स में होते हैं लेंटिसेल्स, और वुडी स्टेम्स में भी जो जिनकी स्टेम हार्ड होके जो ऊपर लकड़ी की छाल नहीं नजर आ रही होती बड़े बड़े दरख्तों के, वहां पे भी लेंटिसेल्स होते हैं, क्योंकि वहां से भी तो पानी निकल रहा होता है ना, तो वहां पे भी लेंटिसेल्स होते हैं। और लीव्स में कौन से पोर्स हैं जहां से वाटर ट्रांसपायर होता है? स्टोमेटा। शाबाश, तो इन पॉइंट्स के थ्रू वाटर विल ट्रांसपायर। साथ आपके नेट का इश्यू चल रहा है कोई? यस मैम, डिस्कनेक्ट हो गया था। ओके, अब आगे हम देखते हैं व्हाट इज स्टोमेटल ट्रांसपायरेशन। यहाँ पे शॉर्ट क्वेश्चन आपका बन जाएगा ऊपर वाले पैराग्राफ में, कि हाउ व्हाट इज ट्रांसपायरेशन या डिफाइन ट्रांसपायरेशन, ठीक है, एंड हाउ वाटर ट्रांसपायर फ्रॉम लीव्स एंड हाउ वाटर ट्रांसपायर थ्रू स्टेम्स, तो इन दोनों के नाम आपको पता होने चाहिए स्टूडेंट्स। ओके, व्हाट इज स्टोमेटल ट्रांसपायरेशन? आयान रीड द नेक्स्ट पैसेज। Most of the transpiration occurs through stomata and is called stomatal transpiration. The mesophyll cell of mesophyll, it's not mesophyll. Mesophyll cells of leaves provide large surface area for the evaporation of water. Water is drawn from xylem into mesophyll cells, from where it comes out and make a water film on the cell walls of mesophyll. From here, water evaporates into the air spaces of the leaf. Water evaporates, then diffuse from air spaces towards stomata and then pass to outside air. अच्छा, अभी हमने अभी जो root पढ़ा था ना, वो root ऊपर वाली जो figure में हमने root देखा था, उसमें देखा था कि water will enter from the soil. Soil से पानी अंदर की तरफ जा रहा है with, by the help of root here, फिर अंदर अंदर move करता चला जा रहा है through diffusion and active transport and on osmosis. अब transpiration में और end तक कहाँ जा रहा था पानी? Xylem तक enter हो रहा था। अब transpiration में इसी का opposite आप कर लो, कि xylem से water वापस कैसे जा रहा है? Leaves की बात हो रही है, तो roots है ना, root में पानी इस तरफ को है, लेकिन अगर हम leaf के structure को देखें, नीचे आएगा leaf का structure इधर। अब ये देखो लीफ के स्ट्रक्चर पे आ जाए आप। अब लीफ में क्या हो रहा है, वो कह रहे हैं कि लीफ में भी आपको पता है xylems and phloem मौजूद है, ये वास्कुलर बंडल जहाँ पे भी आपको नजर आ रहा है। Can you see this? Yes, ma'am. हाँ जी, यहाँ पे आप देखें xylem से वाटर कैसे वापस उल्टा रूट शुरू हो गया, ma'am. उल्टा रिवर्स रूट स्टार्ट हो चुका है, xylem से वाटर बाहर निकल के आ रहा है मेसोफिल सेल्स में। मेसोफिल सेल्स आर स्पेशल सेल्स मेड फॉर द फोटोसिंथेसिस। अब मेसोफिल सेल्स के थ्रू वाटर वन बाय वन एक सेल से दूसरे सेल में ट्रांसफर हो रहा है। यहाँ पर कुछ खाली जगह नजर आई, खाली जगह को बोलते हैं इंटरसेलुलर स्पेसेस। यहाँ आके वो थोड़ी देर रुकेगा और जब ज्यादा पानी यहाँ इकट्ठा हो जाएगा, यहाँ पे इसकी कंसेंट्रेशन जब ज्यादा हो गई है, देन इट विल एंटर इंटू द स्टोमा ऑफ द स्टोमा ऑफ द गार्ड सेल, और यहाँ से फिर बाहर निकल रहा है। तो इसका मतलब है कि प्लांट्स के ये जो लीव्स का स्ट्रक्चर है उसमें वाटर की जो डायरेक्शन है वो ऑपोजिट है एज कम्पेयर टू द रूट। रूट में डायरेक्शन क्या थी? बाहर से अंदर की तरफ, लेकिन लीव्स में डायरेक्शन क्या है पानी की? अंदर से बाहर की तरफ। ठीक है,
ओके वापस आते हैं हम. ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हुआ ट्रांसपिरेशन का कि नहीं? अच्छा जी यहाँ तक कर ले. बस एक्स्ट्रा एक इंफॉर्मेशन है, ये देख लेते हैं. Roughly 90% of water that enters the plant is lost via transpiration. Roots, जी roots इतना ज्यादा पानी absorb करती जाती हैं continuously water absorb करती हैं और water ऊपर जाती मतलब जब plants के ऊपर तक पहुंच जाता है then it will leave the plant surface by the help of transpiration के through 90% water जो है वो निकल जाता है बाहर और सिर्फ 10% plant के अंदर रहता है. नीचे से सप्लाई आती जाती है पानी के और ऊपर से पानी एवापोरेट होता रहता है. ठीक हो गया स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही है टॉपिक. आपको मैंने आज टू टॉपिक्स कवर करवाए हैं. फर्स्ट मैंने वाटर एंड आयन अपटेक करवाया, उसमें आपकी ये वाली डायग्राम्स हैं, दीज आर द एनाटॉमी डायग्राम्स. अब आप दोनों ही आई थिंक ड्रॉ कर लें या नीचे वाली ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें सारी इसकी लेबलिंग हुई भी है. यू ड्रॉ दिस डायग्राम, एक तो ये आप ड्रॉ करोगे, सेकेंडली You will make short questions as well. Five बना लें short questions कोई से भी. ठीक हो गया students? Okay miss. अच्छा जी students मुझे बता दें next आपको quiz number 3 वो कब देना चाहेंगे आप? Tuesday और Monday. जी साथ ताहा आयान when you want to give. पूरा चैप्टर का होगा? पूरा चैप्टर तो नहीं, आपको ज्यादा टफ लगेगा पूरा चैप्टर. आप बता दें डाइजेस्टिव एलिमेंट्री के नाल सारा ले लूं एंड तक? यस मैम. हाँ जी ठीक है ना, एलिमेंट्री के नाल फुल ले लेते हैं. ठीक है यस मैम. मंडे को आप बता दें, मंडे और ट्यूसडे इट्स अप टू यू. ट्यूसडे कर लेते हैं. चलें ठीक है ट्यूसडे. मैं वैसे मैसेज भी आपको थ्रू कर देती हूँ उसमें, और प्लीज मैसेज को जरा एक्नॉलेज कर लिया करें. सिर्फ एक दो बच्चे ही मुझे आंसर करते हैं, बाकी बच्चे तो पता ही नहीं आंसर ही नहीं करते, जरूरत नहीं समझते. ओके जी अल्लाह हाफिज़. अल्लाह हाफिज़.